उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बहुत पावरफुल नौकरशाह रहे, बहुत पावरफुल नौकरशाह, और वो नौकरशाह योगी सरकार में सर्वे सर्वा थे। उनके अनुमति के बिना योगी आदित्यनाथ से कोई मिल नहीं सकता। मुझे याद है सरकारी वकील, मैंने आपको बताया था एक बार कि एक सरकारी वकील जो सरकार का प्रतिनिधित्व अदालत में करते हैं, बहुत लेमन की भाषा में बता रहा हूं मैं, सरकारी वकील को भी अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते थे। एक सरकारी वकील थे और योगी सरकार में वो पावरफुल ब्यूरोक्रेट कई बार दिल्ली सल्तनत के इशारे पर, वो दिल्ली सल्तनत के साथ भी गोटी फिट करते रहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के इशारे पे कई बार योगी को धोखा भी दिया और योगी के गुडबुक यानी ब्लू आई बॉय भी बने रहे। अब एक घटना आपको बताता हूं। योगी मुख्यमंत्री योगी पर 302 का एक मामला दिल्ली सल्तनत ने खुलवाया उसी पूर्व ब्यूरोक्रेट के जरिए। अब वो पूर्व हो गए, रिटायर हो गए कुछ दिन पहले, पूर्व ब्यूरोक्रेट के जरिए खुलवाया। और पूर्व ब्यूरोक्रेट ने क्या किया, जो योगी पर पुराना मामला था हत्या का, उस वो फाइल दबी हुई थी सरकारी वकील के घर पर थी। दिल्ली सल्तनत का इशारा था, योगी को निपटाने के कई तरीके, कई बार प्रयास किए गए, तो दिल्ली सल्तनत का इशारा हुआ। और इस महोदय ने क्या किया, उस समय चीफ जस्टिस रमना थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, रातों रात 10:30 बजे रात में सरकारी वकील यानी यूपी सरकार के वकील के यहाँ कई ब्यूरोक्रेट पहुँचते हैं और वो फाइल उठा लेते हैं, और फाइल उठाकर सुबह सुप्रीम कोर्ट खुलने के समय 10 बजे ये केस लगा दी जाती है कि योगी आदित्यनाथ पर 302 का मामला चलाया जाए। ये अपना ही ब्यूरोक्रेट योगी के खिलाफ चल रहा था। इसी मामले में उस सरकारी वकील ने डायरेक्ट मुझसे संपर्क किया था, कई लोगों से किया होगा, मुझसे भी संपर्क किया था, ये मैं बता चुका हूँ। उसने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इससे पहले की बात है, जो ये घटना हुई उससे ठीक पहले, कि योगी जी को कई चीज अंधेरे में रखा जा रहा है और हम जब मिलने जाते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट मिलने नहीं देता। हम योगी जी से कुछ कहें वो वहां खड़ा रहता है कि हम कह नहीं सकते। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने कोई सोर्स से मुझे ऐसा मीटिंग अरेंज कर दीजिए जिसमें वो ब्यूरोक्रेट्स ना हो, खड़ा ना हो। मैंने कहा मेरी क्या हैसियत है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा हाँ सल्तनत उर्दू है तो दिल्ली सल्तनत वाले जो बैठे हैं वो उर्दू ही तो हैं इसलिए। तो मैंने कहा मेरी क्या हैसियत, तो नहीं नहीं आपको महाराज जी जानते हैं और ये वो। तो मैंने प्रयास किया और प्रयास किया तो मीटिंग का समय मिल गया। उस दिन वो ब्यूरोक्रेट बाहर था, लखनऊ से बाहर था, और मीटिंग का समय मिल गया और वो वकील वहां पहुंची, टाइम मिला। उस ब्यूरोक्रेट को पता चल गया कि वो वकील, सरकारी वकील, महाराज जी से मिलने के लिए समय मिल गया है, और उसने अधिकारियों को फोन किया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक वो महाराज जी से नहीं मिलनी चाहिए। और उनको बैठाए रखा गया, अंदर योगी जी को सूचना नहीं दी गई। और वो महोदय जब आए तब अपने साथ वकील को ले गए। अब वो वकील वहां बोल ही नहीं पाए, कुछ कह ही नहीं पाए, वो बाहर जब अर्थ के बाद जब बाहर निकली तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए ब्यूरोक्रेट आए कि कहीं किसी और रास्ते से महाराज जी से ना मिल जाए। दिल्ली सल्तनत और योगी के बीच में वो दोनों तरफ की चित भी मेरी पट भी मेरी खेल रहे थे। एयरपोर्ट तक छोड़ा तो वकील साहिबा का मुझे फोन आया, बोले ये क्या मीटिंग फिक्स किया आपने, मुझे तो मीटिंग में हो नहीं पाई, वो तो वहीं पहुंच गया, मैं बोल ही नहीं पाई महाराज जी से। मैंने कहा देखिए मेरी क्या हैसियत है, मैंने प्रयास किया, आपको मीटिंग का टाइम मिल गया, अब ये जो महाराज जी के लिए आप बोलना चाहते हैं उनके सामने बोल देती, तो उसके सामने कैसे बोल देती। तो वो ब्यूरोक्रेट इतना पावरफुल था, मेरा कहने का आशा है कि वो योगी के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के कहने पर उनका 302 का फाइल खुलवा चुका। वो ब्यूरोक्रेट इतना पावरफुल था कि वो योगी उससे मतलब उसके गैर हाजिर में किसी से मिल नहीं सकते। और दूसरा योगी का गुडबुक
योगी जब सांसद थे गोरखपुर में थे तभी ब्यूरोक्रेट था योगी के गुटबुक में, योगी को पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत और उनके गुटबुक के बीच में वो खेल कर रहा है। योगी की फैमिली में बड़े कलाकार भी हैं जो बाहर के कला आदि से के जरिए, और इन ब्यूरोक्रेट पे आरोप है कि ये जो बड़े काम कराते थे तो करोड़ से कम में कोई काम नहीं कराते थे, तो इनके पास ब्लैक मनी बहुत जमा हो गया और उस ब्लैक मनी को वाइट वो अपने कलाकार रिश्तेदार के जरिए करते थे पूरी तरह से, यानी उनके फीस में अपनी ब्लैक मनी मिलाकर वो, लेकिन फिर भी बहुत ब्लैक मनी था। तो ये ब्लैक मनी इनका उत्तराखंड में पहाड़ में रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करने के लिए घर बना रखा है, कोठी बना रखी है, उस कोठी में पैसा 50 करोड़ रुपए था और 50 करोड़ रुपए चोरी हो गया। ये अमर उजाला में छपा, उनका बिना नाम लिए, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जो चोरी हो गया उसका FIR कैसे लिखा है, उस 50 करोड़ का अनअकाउंटेड मनी का हिसाब देना पड़ेगा, तो FIR वो लिखा नहीं रहे, लेकिन चोरी चोरी इसकी खोज हो रही है। कहते STF लगाया गया किसी तरह मिले, तो जो अमर उजाला में छपा वो आपको बताता हूं। सूबे के एक पूर्व चर्चित नौकर शाह की उत्तराखंड में आलिशान कोठी से 50 करोड़ की चोरी होने की चर्चा इन दिनों नौकरशाही में खूब हो रही है, यानी ब्यूरोक्रेट के बीच में, पर साहब ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी साहब ने ना तो मुकदमा दर्ज कराया ना ही कोई कार्रवाई होने दी कि पकड़ में आ जाएगा 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ आप समझ रहे हो, एक ब्यूरोक्रेट के पास बंगले में रखा हुआ है। अंदर खाने ही चोरों का पता लगाने की कोशिश जरूर हो रही है। पूरा मामला गोपनीयता के साथ सलटाने के जतन किए जा रहे हैं कि किसी को पता ना चले, इसलिए चोरी से अधिक चर्चा मामले पर चुप्पी को लेकर है। गोपनीयता का आलम यह है कि साहब के बगल गिरों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। वो जो जहां पर इन्होंने बंगला लिया है वो ब्यूरोक्रेट्स का पूरा इलाका है और ब्यूरोक्रेट्स ने बंगले सब बनवा रखे हैं, तो बगल के जो ब्यूरोक्रेट्स नौकर साहब उन सबको भी हवा नहीं लगने दी गई। लेकिन यहां एक अंदेशा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ब्यूरोक्रेट को पता हो और उसी ने यह गायब करवा दिया हो, पता हो और गायब करवा दिया हो। तो गोपनीयता का आलम यह है कि साहब के बगल गिरों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। अब तो अफसरों के शाम की पार्टी में इसकी खूब चर्चा हो रही है। जो ब्यूरोक्रेट शाम को बैठते हैं मजमा लगाकर, सारे गोल्फ खेलते हैं, शराब पार्टी होती है। ब्यूरोक्रेट तो नौकर साहब, नौकर है जनता का लेकिन वो शाही अंदाज में रहता है, राजा है। तो जब ये बैठते हैं तो वहां चर्चा होती है कि भाई साहब 50 करोड़ तो इनके गए, अब ये फुल के बोल भी नम्मा उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ठीक बात है, चोर के घर में चोरी, सनातनी हिंदू। बताने वाले यहां तक करें कि पूर्व चर्चित नौकर साहब तो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैडम गहरे सदमे में है। अब ये मैडम जो है इनकी फैमिली में जो बड़े कलाकार हैं उस पर इंगित किया गया है, संकेत किया गया है कि मैडम बड़ी चिंता में है क्योंकि 50 करोड़ गायब हुआ है और ये खूब चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। STF को लगाने की बात भी कह रही है किसी 50 करोड़ मिले, लेकिन खुल के बोल नहीं सकते, ना उगलते बन रहा ना निगलते। दर्द ऐसा है कि दर्द हो भी रहा है और ऊपर से मुस्कुराना भी पड़ रहा है। और ये जो कलाकार हैं उसकी आर में, उसकी फीस की आर में इस नौकरशाह ने कितना काला धन सफेद किया होगा इसका कोई हिसाब नहीं। और आप उनको अक्सर देखेंगे सोशल मीडिया पे भी, सब जगह आप सब पहचानते हैं, इतने सब विश्वम में दिखेंगे आपको। ये 50 करोड़ जनता का लूट कर ही तो आया है, ये भ्रष्टाचार का ही तो है। तो चोर के घर बड़ी चोरी हो गई, दर्द तो अंदर तक है लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता है और उनकी मैडम सदमे में, बहुत बड़े सदमे में, कलाकार मैडम।